तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना क्या सुलगना क्या। फजर तुम यही रुको। I'm sorry. नहीं, गलती मुझसे हुई। मैंने तुमसे पूछा ही नहीं माई। सुबह बात करते हैं ना, अभी मुझे नींद आ रही है। सुबह में देर है बेटा, और वहां सबको पता चल गया कि तुम इस फैसले पर राजी नहीं हो। इनकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनकार का कोई तरीका तो। इनकार नहीं किया मैंने, बस उस अचानक के हमले को कबूल नहीं किया मैंने। मुझे लगा मेरे बेटा की बात नहीं हुई, कोई साजिश हुई है। अरे पगली, मैं करूंगी साजिश? मैं माँ हूं तुम्हारी। आपको देखकर ही तो लगा कि कभी कभी कोई साजिश करता नहीं है, साजिश हो जाती है। आपसे भी हो गई। मुझे तो ऐसा लगा मेरी मंगनी की बात नहीं हुई है उससे, किसी ने फॉक्सी चुराने की सजा दी है मुझे। मैं तो डर गई मामा, तवांग के पैसे उठा के सीधा उसके मुंह पे मार दिए। सीधा सीधा बोलो, अब क्या करना है? वहां सब समझे बैठे हैं कि इनकार हो गया है। उनसे क्या इनकार नहीं किया, बस सोचने के लिए वक्त मांगा। कितना वक्त? ये तो मुझे नहीं मालूम। हो सकता है कि अभी कह दूं चलो हो गई मंगनी, और हो सकता है सारी रात सोचती रहूं। बस इतना बता दो कि रात भर सोचती रहोगी तो क्या मतलब होगा तुम्हारा? हाँ कहोगी ना? अरे मामा, आप मुझे इनकार करने के राइट्स क्यों नहीं देती? तो इनकार करोगी? मामा मुझे सोचने तो दीजिए। सोचते हुए ये भी सोचना, इनकार करोगी तो अम्मी बेगम का हार्ट फेल हो जाएगा। लो लो, क्या हॉर्न सुन रही हो? पहुंच गई है वो। पहुंच गई तो मतलब हार्ट फेल ही हुआ है उनका। अच्छा मेरे सर से बला डालो, उनके सामने बैठकर बता देना उनको तुम्हारी मर्जी क्या है। मैं तो चलूं। सुनिए अम्मी, आज नहीं मिलूंगी उनसे। मेरा पूछे तो कहिएगा सो गई है। मैं बस उनसे डेफिनेट बात करना चाहती हूँ। मेरे गैंग की है ना वो, और हमने ओथ ले रखी है कि एक दूसरे से कभी झूठ नहीं बोलेंगे। आहीन कहाँ है? वो सो गई। सो कैसे गई? यहां सबको सूली पर टांग कर सो कैसे सकती है? आप बैठो ना। अरे तुम्हारी बेटी सबके सामने कनीज बेगम के मुंह पर थूक कर आई है, और तुम कह रही हो कि आप बैठो ना। तुम भी खड़े रहोगे? So
सालगिरह भी फुसफुसी हो गई और वकार अहमद के आने का मजा भी गारत कर दिया। तो मंगनी का पंप फोड़ने की जरूरत क्या थी? उसका ब्रेक लगाना याद नहीं आया था? ब्रेक? वही नानो, जब आपने पूछा था कि अगर ऐसे लड़के से तुम्हारी शादी हो गई तो, और उसने ब्रेक लगाकर कहा था जिंदगी रुक जाएगी। अच्छा, तो समझो ब्रेक लग गई। सारा कसूर तुम्हारी माँ का है, ताओ किए बगैर ही बात कर देती। अल्लाह को जान देनी अम्मी बेगम, आपने तो कहा था, अब हाँ कहो। और तो क्या ये भी कहा था कि आज ही के दिन ये मुहूर्त निकालना? तुमने भी सुरैया अली मुझसे कुछ नहीं सीखा। अरे किस काफिर की आरजू थी कि लड़की से बात किए बगैर बात बढ़ा दी जाए? मतलब उसे सोचने समझने इनकार करने का हक नहीं। बस तुम जिससे मोहब्बत करते हो, जरूरी है कि वो भी तुमसे मोहब्बत करे। मैं भी लगता है इनकार कर देगी वो। काम नहीं करेगी वो, उसने सोचने के लिए वक्त मांगा, मतलब कंसीडर कर ही है। कंसीडर मतलब दूसरा ऑप्शन है उसके पास। तो तुम क्या समझते, वो तुम्हारे आश्रय पर बैठी है? अच्छी लड़कियों के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करती है, बाकियों को पता चलता है तो उनकी उम्मीदें टूट जाती। तो मैं भी समझ लू कि मेरी उम्मीद टूट गई? ये ना मैंने कहा है ना उसने कहा है। अगर कुलरेज तुम इस तरह तड़पोगे, तड़प कर घर के अंदर 10 किलोमीटर तक भागते रहोगे तो उसके पास नहीं पहुंचोगे। अच्छा, उसके पास इनकार करने का हक और मेरे पास तड़पने का भी हक नहीं? कुलरेज, मैं बीच में बोलूं? तुम चुप रहोगे दस्तूर है। उसकी तो समझो जान ही जाएगी। किसकी? ए मुए गुलरेज की। अब फॉक्सी रह जाएगी, वो नहीं रहेगा। डरने की जरूरत नहीं है, साफ इनकार नहीं किया उसने, बस कहती है सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे दीजिए। चाय बनाओ। इत्तला बस इतनी है कि उसने सोचकर फैसला करने का वक्त मांगा है। मुझे मेरी फॉक्सी से मोहब्बत है और मोहब्बत फाल निकालने वाला तोता है। उसका जब चलने का मूड नहीं होता ना, तो मुझे पहले ही बता देता कि आज मैं चलूंगी या चलते चलते रुक जाऊंगी। पता है जब उसका मूड नहीं होता ना, तो मैं उसको ड्राइव पे लेके नहीं जाता। बकवास, मोहब्बत को हल्का ले रही हो तो। तुम्हारे तोते को हल्का ले रही हूं। भाई एक बात तो समझ लो तुम, लड़के की मोहब्बत लड़की की मोहब्बत में बहुत फर्क। लड़के पाल निकालते और लड़कियां फैसला करते। उसे फैसला करने दो। और तुम क्यों खड़े हो, बैठ जाओ। लड़की सोचने के लिए वक्त मांग रही है, तो बताइए क्या सोचेगी? मतलब आप इतना पॉजिटिव क्यों सोच रही हैं? लड़की सोचने के लिए वक्त मांग ले तो तजुर्बा कहता है कि मान जाती है। और अगर ना मानी तो? ए लो, चाय का नाश तो ना करो फजर। वकार अहमद कहाँ है अम्मी बेगम? 2 बज रहे हैं सुरैया, तुम्हारी तरह छछोरा नहीं है कि रात रात भर जागता रहे। I was 10, तब से वहाँ हूँ। पहले तो कभी कभार आया करता था, लेकिन अब की बार 4 साल बाद आया हूँ।
मुझसे मिलना कैसा लगा? Very nice feeling. लेकिन ज्यादा हैरान कन बात यह है कि एक ही मुलाकात में दोस्ती होगी। पता है, मैं लड़के और लड़की की दोस्ती को नहीं मानती। मैं तो मानता हूँ, लड़के और लड़की की दोस्ती के बीच में जलसी नहीं होती। उनमें दोस्ती नहीं होती ना, मोस्टली तो लड़के घात लगा कर बैठे होते हैं कि कब दोस्ती का नाम मोहब्बत हो जाए। वेरी देसी, हमारे इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। अच्छा खैर, अपने बारे में बताओ। नथिंग मच टू से, मैं कोई 8 साल की थी तब मेरे पापा ने मेरी मामा को डिवोर्स कर दिया किसी दूसरी औरत के लिए। लेकिन मामा मुझसे भी ज्यादा पापा से मोहब्बत करती थी, उनके बगैर जी नहीं पाई। 2 साल में मर गई, तब से मैं पापा के पास हूँ। पर आई डोंट लाइक इट। लंदन में केटरिंग और डाइनिंग का डिप्लोमा करने गई थी। हाँ, वो तुमने जहाज में बताया था। और तुम्हारे मम्मी पापा? वो नहीं है। आज से 12 साल पहले मेरे मम्मी पापा और मेरे पापा पुपी एक प्लेन क्रैश में मारे गए। ये कहानी तो सुनी सुनी लगती है। मेरे पापा शहर के डिप्टी मेयर थे। ओह माय गॉड, तुम माहिन के क्या लगते हो? माहिन, तुम जानती हो उसे? Duh, she's my best friend. Wow, what a surprise. जल्दी से बताओ, क्या लगते हो माहिन के? कजन है मेरी, पुपीजाद। Wow. हटा, 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 हटा। जल्दी करो। धक्का दो, धक्का दो। मैं क्या, जल्दी करो, और सुस्ती नहीं चाहिए मुझे। जोर से शुरू। तुम इस गैंग की चीफ नहीं रही हो। क्या मतलब? कल रात तुमने पूरे 25,000 का नुकसान किया है। तुम्हारी वजह से गैंग के माली हालात अब ठीक नहीं रहे। पागल हो गया क्या तुम? वो तुम्हारे गैंग के चीफ को उड़ा के ले जाने वाला था। देखो माही, तुम अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए गैंग का सत्यानाश कर रही हो। सेल्फिश हो तुम? गैंग के 25,000 रुपए बचाने के लिए मैं उस कंजूस मक्खी चूहे से शादी कर लेती? नो वे। मैंने हमेशा आपको उनके साथ देखा है। आपका ताल्लुक उनसे है या गाड़ी? दोनों से। आप तो फिर बड़ी हिम्मत वाले हैं भाई साहब। अरे भाई, वो मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है। आप ठीक कहते हैं, वो फॉक्सी को इस तरह संभालते हैं इस तरह तो कोई गैरतमंद अपनी बहन को नहीं संभालता। मैं नहीं, महबूबा। वो महबूबा? वो क्यों कह रहे हैं आप? जराए हमदर्दी कह रहा हूँ, क्योंकि उनकी ये महबूबा जो है ना, बस कुछ दिनों की मेहमान है। वो मरम्मत का बिल सुनते ही ना मुझे कहेंगे कि ये मर क्यों नहीं जाती। वो कभी नहीं कहेगा। दरअसल फॉक्सी के मामले में बड़ा टची है वो, समझ रहे, ट्रू लव। वाह, जब इतनी बातें पूछ रहे हैं तो एक पर्सनल सवाल पूछ ले।
ये भाई साहब ठीक तो है ना? क्या मतलब? आप पूरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मानूंगा भाई। मेरा मतलब है कि ये जब घर से जाते होंगे तो वापस आ जाते? जाहिर सी बात, अकेले तो ही जाते। समझ गया। क्या समझ गए? यही कि आपने उनकी जेब में एक पर्चा लिखकर डाल दिया होगा, है ना? पर्चा? और उस पर्चे पे क्या लिखा होगा? पर्चे पे क्या लिखा होगा? उनका नाम, उनके अब्बा का नाम और घर का पता, है ना? मैं स्टार्ट। चाय पियेंगे आप? ओए गबार, चाय ले गया साहब के लिए, दो चाय ले गया, जल्दी। अपनी फॉक्सी बेच डालो। फॉक्सी बेच डालो? लेकिन फॉक्सी के बारे में तो मैंने कुछ नहीं पूछा। हो ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? फॉक्सी और तुम साथ साथ नहीं चल सकते। ये फॉक्सी तुम्हें बर्बाद कर देगी। फॉक्सी से क्या दुश्मनी है तुम्हारे? ये फॉक्सी ही तुम्हारी दुश्मन है। इस पर भरोसा करोगे तो मंजर से दूर हो जाओगे। अजीब आदमी हो तुम। मैं तुमसे अपनी किस्मत के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम मेरी फॉक्सी पे सवारी कर रहे हो। देखो, मैंने हिसाब लगाकर बता दिया है, बेहतर है अब किसी को हाथ नहीं दिखाना। क्यों ना दिखाऊं? क्योंकि साफ लिखा है, जब तक तुम फॉक्सी नहीं बदलोगे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलेगी। एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने ऐसा क्या नहीं बदला जिसकी वजह से तुम्हारी किस्मत नहीं बदली? सुनो, मेरे पास भी एक फॉक्सी थी, बिल्कुल तुम्हारी फॉक्सी की तरह। शट अप, एक धैला नहीं दूंगा तुझे अब। वो तो मुझे पहले ही मालूम हो गया था। कैसे मालूम हो गया था? तुम्हारे हाथ पर सबसे पहले मैंने अपनी किस्मत पढ़ी थी, उस पर साफ लिखा था कि तुम एक ढेला नहीं दोगे। जिनको दिल में रखते भेद तोड़ जाते, तुम्हारा नाम ले लेकर तड़पना, क्या सुलगना क्या। हाँ उस्ताद, ठीक हो गई? हाँ कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन 70,000 रुपए का खर्चा है इसमें। 70,000? अरे मत तो नहीं मारी गई तुम्हारी? बेचने को जाऊं तो 40 की बिकेगी। वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन बूढ़े लोगों की दवा दारू पर ज्यादा खर्चा आता है। हाँ बूढ़े लोगों पर दवा दारू? अरे कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप। बहकी बहकी बातें तो आप कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ 40 कमाए 70 ना गवाए। और हाँ देखें, आप अगर इसको महबूबा समझते हैं ना तो समझते रहिए, ये चलने के काबिल नहीं है, नया अफेयर कीजिए। हाँ और बल्कि मैं तो कहता हूँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं ना तो इसको बेचकर कुछ पैसे मिलाकर मोटरसाइकिल ले लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगी। तेरी तो क्या कर रहे हो? देखो तो सही क्या बोल कर गया है। सच बोल रहा है भाई साहब, बल्कि मेरा ख्याल है इन पैसों में मोटरसाइकिल नहीं आएगी, साइकिल ले लो वो भी 3 पहियों वाली। हाँ
तुमने सचमुच थप्पड़ मारा था? चार साल पुरानी बातें मुंह फुलाए बैठी है वो। चार साल में तो दो हुकूमतें बदल जाती हैं यहाँ। अरे हुकूमत और दिल में बड़ा फर्क होता है मेरे बच्चे। एक बात बताऊं, दिमाग का खलल है उसे, किसी अच्छे डॉक्टर से जाके इलाज कराइए उसका। दिमाग का खलल तो तुझे भी है, तेरा इलाज ना कराऊं? एक बात बताऊं, अगर उस दिन मैं उसके मुंह पे थप्पड़ ना मारता ना, तो हम चारों की रात हवालात में गुजरती। आपको मालूम है क्या करने वाली थी वो? चलो हटो। क्या करने वाली थी? अरे ये तुम्हारे सोचने का काम नहीं है, बच्ची है, जाहिर है कोई शरारत ही कर रही होगी। शरारत? अरे वो शरारत नहीं थी दादो। और पप्पो, तेरी जुबान को लगाम नहीं है? चल जा, माफी मांग उससे। क्या करूं दादो? अरे माफी मांग ले, तेरे लिए यही अच्छा है, वरना कराची में रहना तेरा मुश्किल हो जाएगा। आप मुझे धमकी दे रही हैं? अरे नहीं मेरे लाल, मैं तो समझा रही हूं, एक पल के लिए झुक जाएगा तो क्या जाएगा तेरा, बच्ची का दिल बहल जाएगा। मतलब उस नकचड़ी से माफी मांग लो? अरे दादा वो तो सारी जिंदगी सर उठा के जीने नहीं देगी मुझे। वैसे क्या जीने देगी तुम्हें, सर उठा कर चलने के शौक में सर से ही जाओगे। दादो ठीक कह रही हैं। तू चुप कर, माफी तो मैं कभी नहीं मांगूंगा, अपनी नाक काट के उसके पैरों में कभी नहीं रखूंगा मैं। अच्छा तो ठीक है, माफी ना मांग, माफी जैसा कोई काम कर दे। मसलन? ए लो, अब ये भी मैं बताऊं, लंदन में कहां रहते हो, कहां झक मारते हो, मेमो से मिलते हो, तो उनसे कुछ सीखा नहीं तुमने? अली बता जरा। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस ठीक है आपने कह दिया तो मैं उसे कह दूंगा कि क्या हो गया, थप्पड़ ही मारा है, कोई कयामत थोड़ी आ गई है। अच्छा बताओ कहाँ है उसका कमरा? पता नहीं क्या समझती है अपने आप। बेचारा, तो अंदर से पूछेगी कौन? हाँ तो मैं कह दूंगा मैं। फिर वो दरवाजा नहीं खोलेगी। तो वो पूछेगी कौन? तो मैं कहूंगी मैं। इससे बेहतर है मैं माफी मांगूं। माफी मांगने से टके की इज्जत नहीं रहेगी। हाँ तो दस्तक देने से कौन सी इज्जत रह जाएगी? लेकिन खैर, मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर, हाउ डेयर यू? दादू नीचे बैठी हैं, ग्रेसी ना बोल। क्यों आए तुम यहाँ? सुलह करने आया हूँ। वाओ, दादू कहती हैं जो कुछ हुआ से भूल जाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि एक पल को अपनी गलती भी याद कर। यू गेट लॉस्ट, तुमसे कोई सुलह होगी और ना ही कोई माफी मिलेगी। हाँ एक तरीका है जिससे सुलह भी हो जाएगी और माफी मिलेगी। तरीका बोलो। मैं भी इसके मुंह पर वैसे ही जोरदार थप्पड़ मारूं। अरे अभी अपने बात से पीछे नहीं हटेगी। वो तो बहुत जोर का थप्पड़ था माहीन। मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, बिल्कुल सच कहा था मैंने। क्या कहा था? दिमाग चल गया तुम्हारा, पागल हो गई हो तुम। वो कहते हैं ना, ओकेजनली सेन एंड फ्रीक्वेंटली इनसेन। ये भी कहा था? कहना तो और भी बहुत कुछ था, लेकिन दादू का हुक्म था कि मैं तुमसे सुलह करने आ जाऊं, इसलिए आ गया मैं। Impossible!
चलो काम करो अपने, चलो खैर। अरे चलो ना यार, क्या बकवास बकवास कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ थे भाई सारा दिन? फॉक्सी के साथ। फॉक्सी कौन है? अरे गुलरेज की गाड़ी। तुम्हारे पास तो अपनी गाड़ी है। हाँ लेकिन उसके साथ फॉक्सी को टो चेन करके वर्कशॉप लेकर गया था। मेरे खुदा, कब सुधरेगा ये लड़का? मेरे ख्याल में एक ही तरीका है। बोलो। माइन से कहे कि फॉक्सी के जीते जी किसी तरह मंगनी पर राजी ना। जीते जी मतलब? उस मरी हुई फॉक्सी पर 70,000 लगा रहा है, मतलब ये कि उसको जिंदा रखने पर तुला हुआ है। बैठो यार। ये देखो, पिछले महीने से हमारे प्रॉफिट 11% बढ़े। वाह, कंग्रेचुलेशन। प्रोडक्शन और तमाम टारगेट्स वक्त के अंदर अंदर पूरे हुए। एंड यू नो हु डिड इट? मी एंड यू। इट्स गुलरेज। वाह। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, उसने जो सोचने के लिए वक्त मांगा है मान जाएगी वो? मैं कैसे बताऊं, मुझे क्या मालूम। मुझे तो ये खबर मिली थी कि उसने सोचने के लिए वक्त मांगा है, और नीलम कहती कि वक्त मांगने में कोई बुराई नहीं। आप क्यों? मुझे तो कुछ भी नहीं लग रहा। हाँ अम्मी बेगम कह रही थी कि डरने की बात नहीं। तो फिर क्यों डर रहे हैं? वो ठस्सा दिखाकर गुलरेज को चिढ़ा रही हो। गुलरेज की हरकतें भी तो ऐसी हैं। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सताएगी फिर मान जाएगी। अल्लाह करे। चाय बोलो। बिल्कुल नहीं, ये सुलह क्यामत तक नहीं हो सकती। ऐसी भूड़ बदमिजाज और नक्चड़ी लड़की से भला कोई क्यों सुलह करेगा यार? शायस्तगी नामी कोई चीज़ें नहीं है उसके अंदर। अब तुम खुद ही सोचो, तुम 4 साल बाद इंग्लैंड से वापस आते हो, अपनी कजन से मुलाकात के लिए उसके घर जाते हो, पहले तो मौसूफा मंगनी के सदमे से बर्थडे का फंक्शन छोड़ के जा चुकी, उसके बाद दरवाजे पे मुलाकात होती है तो भगोड़ा कह के वेलकम किया जाता है। 4 साल पुराने थप्पड़ की याद आनी शुरू हो जाती है, और हद तो यह कि सुलह की कोशिश करो तो पटाख से मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया जाता है। तुम दोनों में से कोई बताएगा कि दोबारा किसी ऐसी लड़की की शक्ल देखने को दिल करेगा? नहीं करेगा ना? यस, मेरा जवाब भी है। लेकिन हमने तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन तुम्हारी खामोशी का मतलब यही है कि नहीं करेगा? जी नहीं, हम दोनों की खामोशी का मतलब है कि तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। Yes. तुम सब लोग आपस में मिलेगा। Partly you're right. क्या है कि हम साथ वफादारी का ओथ ले चुके हैं। अच्छा, तो तुम्हारे बलबूते पे इतना इतरा रही है? वो इतरा नहीं रही, अपना हक मांग रही है। थप्पड़ मारकर उसका इस्तेहकाक मजरूह किया गया था। ओके बजाय अगर तुम 3 लफ्जों की माफी मांग लो तो आई होप कि वो तुम्हें माफ कर देगी। वाह। माफी मांगने के लिए जो 3 लफ्ज हमने रेकमेंड किए हैं वो हैं आई एम सॉरी, शट अप। शट अप कहने से लड़ाई बढ़ेगी? आई डोंट केयर। यू हैव टू वर्क आर अहमद, वो मेरी बहन है और मैं इस बात की आई विटनेस हूँ। वो तुम्हारा थप्पड़ याद करके घंटों रोया करती थी। आगे तुम्हारी मर्जी। चलो एक सेकंड। चलो, और मैं इस बात की आई विटनेस हूँ। वो तुम्हारा थप्पड़ याद करके घंटों रोया करती थी।
डॉक्टर ने क्या कहा? मतलब मैकेनिक? मैकेनिक का नाम ना लो, परले दर्जे का घटिया आदमी था वो। वली ने मुझे सब बता दिया है, ये ठीक नहीं हो सकती। जानता हूँ। फिर इसकी मैयत पर क्यों बैठे? मैं उस पामिश के बारे में सोच रहा। तुम पामिश से भी मिले हो? मिलना ना मिलना एक बराबर। मतलब? मतलब वो पामिश कम और मैकेनिक ज्यादा था। उसने भी यही कहा होगा कि अब ये चल फिर नहीं सकती। उसने कहा कि मेरी किस्मत इस फॉक्सी के साथ जुड़ी। मतलब उसने ये कहा है कि इसे अपने साथ रख। नहीं, वो चाहता है कि मैं इसे बेच दूं, वरना मेरी जिंदगी भी इसकी तरह आके रुक जाएगी। कहता तो वो ठीक है नहीं। उस दिन वो मंगनी की सारी खुशियां थूक कर अपने घर चली गई, लगा के वो इनकार कर दी। पूछा तो कहती है कि सोचने के लिए वक्त चाहिए। इस तरह मेरी जिंदगी तो एकदम रुक जाएगी ना, पता नहीं कब तक सोचेगी। और मैं कब तक सोचूंगा कि इस फॉक्सी को बेच दूं या इस पे 70,000 लगा दूं। सच्ची बात तो यह है कि अगर आज ये चल नहीं सकती तो क्या मैं ये कैसे भूल जाऊं कि इसने बरसों तक मेरा साथ दिया। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, और अब इसकी फुसफुसी शक्ल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी भूख मर गई। खाना लगा दो। अरे नीलम तुम भी क्या हो यार, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस पे 70,000 लगा दो। लगा दो। हाँ वली। क्या बात है? हम साली अब से सर तो मैं भी हूं, तुम बोलो क्या बात है? इट्स सिंपल, इट्स सो सिंपल। वो माइन के बगैर मर जाएगा। और मैं याद दिलाने आया था कि इस खानदान ने पहले भी बहुत जनाजे देखे। चलो वो तो हादसा हो, लेकिन अब की बार कोई मरा तो समझ लीजिए कि हमारे हाथों में है। हेलो हेलो, कौन? आवाज सुन के पता नहीं चला कि कौन हूं मैं? आवाज से तो लग रहा है। सुनी हुई आवाज। मेरे घटिया कजन से आवाज मिलती है तुम्हारी, मगर तुम हो कौन? तुम्हारा घटिया कजन। ओए, तुमने मुझे फोन किया, तुम्हारी ये जुर्रत? मैंने सुना था कि थप्पड़ खा के बहुत रोई थी तो आई एम फीलिंग गिल्टी। तो अरे मैं तुमसे हमदर्दी कर रहा हूं और तुम तो कह रही हो। लिसन वकार अहमद, आइंदा मेरे सेल पर फोन मत करना। नेवर, यू आर नॉट अलाउड। एक आखिरी बात सुन लो, उसके बाद फोन रख दो।
बोलो। आई हेट यू। आई हेट यू टू। जिनको दिल में रखते हैं वही दिल तोड़ जाते हैं।